किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव ब्रिसिंगपुर के रूंद गिदावड़ा में हो रही गोकसी के विरोध को लेकर बजरंग दल प्रतिनिधि मंडल मिला पुलिस उपाधीक्षक से। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुंडी ने गोकसी की घटना को पूर्ण रूप से रोकने का आश्वासन दिया। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस गोकसी संभावित स्थानों पर दी जा रही है दबिश। जी हां, किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव ब्रिसिंगपुर के रूंद गिदावड़ा में हो रही गोकसी के मामले को सामने आते ही इसके विरोध को लेकर हिंदू संगठन भी खुलकर सामने आ गए। रविवार को बजरंग दल का प्रतिनिधि मंडल पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुंडी से मुलाकात की। गोकसी मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए गोकसी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू संगठनों की मांग पर पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुंडी ने शीघ्र ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने व उनकी गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। थाना क्षेत्र के गांव ब्रिसिंगपुर के रूंद गिदावड़ा में हो रही गोकसी के मामले को सामने आने पर पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार थाना किशनगढ़ बास में पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, जहां पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहा। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज जयपुर भी थाना किशनगढ़ बास पहुंचे। राजनीतिक शरण हो किसी शरण के अनुसार ये इस तरीके से अभी चल रहे हैं, जो नहीं रुक पा रहे हैं। अब इनको रुकना पड़ेगा क्योंकि रामराज जा चुका है। हम रहे ना रहे, ये गौ माता रहनी चाहिए। अगर गौ माता को कुछ हुआ तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपनी बलिदानी देने को तैयार रहेगा गौ माता के लिए। जय श्री राम। जय। कैसा कानून बनना चाहिए, किस तरीके से? भाजपा की डबल सरकार, इंजन की जो सरकार है ना, वो बहुत अच्छा हमको प्रतीत हो रहा है और आपको भी मालूम हो गया होगा कि कोई सरकार का काम बोलता है जो कर रही है। और कोई ना कोई कानून जल्द ही ऐसे आने वाला भी है जो राष्ट्रीय हित में कानून होगा, जो गौ माता के हित में सर्वोपरि कानून होगा, क्योंकि संतों की लड़ाई आज की आपके नजरिए से किस तरह? जो गौ कसी करे और गौ तस्करी करे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो सहयोग करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मिला है, मुझे लगता है चंबल से भी गहरे भीड़ है। रूंद गिदावड़ा गांव है किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र का, और दूर दूर तक घर दिखाई नहीं देते हैं। जब हम उस गहन जंगल में गए और हम नीचे उतरे तो हमने देखा जगह जगह गायों की खोपड़ी पड़ी है, गायों के पैर पड़े हैं, गायों की खाल पड़ी है, गायों के अवशेष पड़े हैं, गायों के जबड़े पड़े हैं। मतलब गिनती नहीं कर सकते, इतने गायों के जबड़े वहाँ पड़े हुए हैं, गायों की सिर पड़े हुए हैं। ये सब जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा तो लगता नहीं है कि यहाँ के विधायक जी की जानकारी में नहीं होगा। और पूर्व की जो सरकार है, वर्तमान सरकार को तो आया भी कितने से दिन में, पूर्ववर्ती सरकार की जानकारी में नहीं आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वोटों की खेती को पकाने के लिए, वोटों की खेती काटने के लिए जो अभी वर्तमान और पूर्व विधायक जो खेरिया जी हैं, इन्होंने कभी मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये जो समाज इस काम को कर रहा है, वो पूरे वोट पेटी की पेटी भर के इनको दे रहा है। जिस तरह से गायों को काट काट के बेचा जा रहा है, मंडी सी लगाई जा रही है, ये इस स्वतंत्र भारत में मुझे लगता है एक शर्मनाक घटना है। इतनी शर्मनाक घटना है जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि ये वोट? भैया मैं तो आज देख के आ रहा हूँ तो मुझे लगता है हो सकता है कट रही होगी, लेकिन पिछले 2-4 साल से तो हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है। नहीं, अब जैसा सुनने में आ रहा है, लोग जो बता रहे हैं कि ये करीब 15-20-30 साल से ये वैसा ही भयावह मंजर वहाँ पर। देखिए, अगर पहले लंबे समय से हो रहा है तो मुझे लगता है कि जो भी लोग दोषी हैं उनको स्वयं प्रायश्चित करना पड़ेगा। कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूँ, किसी का हिमायती नहीं हूँ। जो गलत काम हुआ है मैं उसके लिए गया हूँ चलकर। मैंने जैसे अखबार में आज, मैं धन्यवाद करता हूँ दैनिक भास्कर।